हेलो एक्सटेंडेड, लेट्स कंटिन्यू विद अवर फिफ्थ वीडियो फॉर अवर लेसन नंबर टू ऑफ ज्योग्राफी. एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा. इन अवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट? एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल distribution of natural resources, vegetation, sorry, it is distribution of natural vegetation. Just a minute, please. Okay, distribution of natural vegetation. See, we already discussed about vegetations, right? And we know अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की soil available है, अलग अलग तरह का climate है, like weather अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी में fertility अलग अलग होती है. और जब मिट्टी में fertility अलग अलग होती है तो वो जो मिट्टी है उसका जो growing capacity है वो भी different है, right? Like 100% deserted area में we cannot grow wheat or rice more. 100% deserted area I am talking. Okay, so उसी तरह से अलग अलग areas like अब हिमालयन रेंज में कई सारे forest हैं. Okay, वो सब जो forest हैं वो हमें वहाँ पर जो trees होंगी, वहाँ पर jade tree, ebony tree, वहाँ पर जो trees होंगी वो हमें वहीं देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि हिमालयन रेंज आफ्टर ऑल माउंटेन्स ऑफ स्नो कम्प्लीटली. ओके, तो वो जो माउंटेन्स हैं वहाँ का जो वेदर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रीज होंगे. सिमिलरली यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ के ट्रीज होंगे. ओके, वो ट्रीज जो इस वेदर में ग्रो कर सकते हैं, दोस ट्रीज वी कैन सी हेयर इन दिस एरिया, राइट? सो उसी तरह से है नेचुरल वेजिटेशन. अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलता है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. दैट इज टुंड्रा वेजिटेशन, फॉरेस्ट वेजिटेशन, ग्रासलैंड वेजिटेशन एंड स्क्रब्स. ओके, इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रीज ग्रो कर सकती हैं. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. ज़्यादातर फॉरेस्ट वहीं पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत होता है, नेचुरली, नॉट बाय मैन मेड. ओके, नेचुरली वाटर वहाँ पे बहुत अवेलेबल होता है. आइदर यू टॉक वहाँ पे रिवर्स होते हैं और यू टॉक वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर इनफ क्वांटिटी में होता है. इसके लिए वहाँ पे जो ग्रीनरी है, फॉरेस्टेड एरिया है, वो ग्रो होता है. ओके ओके, देन द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. As the amount of moisture decreases or the size of trees and their density reduces. See, जहाँ पर पानी कम होने लगेगा वहाँ पर फिर जो ग्रो करने की कैपेसिटी है मिट्टी की वो कम होते जाएगी. ओके, देन शॉर्ट स्टंट ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड. छोटे ट्रीज या फिर ग्रासेस, बुशेस, वो वहाँ पर होती है जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है. वी कैन टेल जहाँ पर एवरेज रेनफॉल होता है. अंडरस्टूड? वहाँ पर फिर ये छोटे हाइट की ट्रीज या फिर ग्रासेस वगैरह ग्रो होते हैं. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल.
दैट इज कांटो वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम ड्राई एरिया में जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर कांटो वाले प्लांट्स देखने को मिलते हैं और वी कैन टेल ग्रो होते हैं. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन. ड्राई एरियाज में भी प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी होती हैं. क्यों? क्योंकि जो अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर है वो अंदर डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ होता है. अंडरस्टूड. और वो प्लांट की ग्रोथ ही ऐसी होती है कि उसकी एक तो रूट्स अंदर तक होती हैं और उनमें जो थॉर्न्स होते हैं लीव्स होते हैं इट ऑल्सो गो ऑन कंज्यूमिंग वाटर एंड लिटिल बिट जो भी मॉइस्चर अवेलेबल हो इन एयर दैट दे कंज्यूम फॉर प्लांट इट्सेल्फ. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड एंड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लिचेंस. ओके नाउ टुंड्रा वेजिटेशन दैट इज वो वेजिटेशन की बात है जो माउंटेनियस एरियाज और वी कैन टेल जो ठंडे एरियाज में होते हैं. ओके वहाँ पर मॉसेस एंड लीचेस दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ ग्रासेस ओनली जो वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं. फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसीडियस डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स. फॉरेस्ट को स्टडी करने के लिए फॉरेस्ट को भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. वी कैन टेल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट. अब अगर हम एवरग्रीन की बात करें मतलब वो फॉरेस्ट जो हमेशा ग्रीन रहते हैं. अब हमेशा ग्रीन रहने वाले फॉरेस्ट मतलब ट्रीज सी हमें ये पता है ड्यूरिंग ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स राइट. लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उस फॉरेस्ट में सभी ट्रीज एक साथ एक समय में अपने लीव्स शेड नहीं करते. They shed their leaves accordingly turn by turn. Okay, so वो जो forest है वो हमेशा green ही दिखाई देता है. Understood? Whereas deciduous forest will be those forest जो एक समय पर फिर leaves grow, trees जो है वो leaves fall करते हैं and then after some time they go on growing with new leaves. Okay? Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. Deciduous forest में leaves धरती के ऊपर गिरते हैं और फिर वो moisture इकट्ठा होता है क्योंकि leaves जब सूखते हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और वो मिट्टी को और fertile करते हैं. अंडरस्टूड. सो मिट्टी फर्टाइल रहे ट्रीज ग्रो होते रहे तो कुदरत ने उनको अपना प्रोसेस दिया है अपने आप को ग्रो करने के लिए. अंडरस्टूड. सो किस तरह से ग्रो करेंगे वो अपने आप को दैट इज जब उनको लगेगा कि बहुत गर्मी है दैट इज ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर सीजन दे शेड देयर लीव्स एंड वो लीव्स फिर उनकी रूट्स तक फर्टिलिटी पहुँचाते हैं. ओके Then, both types of forest are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes. See, tropical and temperate based. If you remember in 6th standard geography book, lesson number 2 was related to this only. There is very clear diagram given. Center of the earth, that is equator. उसके ऊपर जो है वो टेम्परेट जोन है सॉरी ट्रॉपिकल जोन है और नीचे टेम्परेट जोन है. ओके सो कौन से फॉरेस्ट इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जा रहे हैं दोज आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. कौन से फॉरेस्ट इक्वेटर से डाउन साउथ साइड में हो रहे हैं दोज आर दिस वन टेम्परेट फॉरेस्ट. अंडरस्टूड. ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट. Okay, then you have learned in detail about the various forest types
their distribution and the associated animal life in the previous class. So हमने अलग अलग types of forest and अलग अलग types of animals living in those forests we studied in our last class. Today there are many more people in the world than there are 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resources. See, agricultural activities के लिए, construction activities के लिए, जिस तरह से human beings की population बढ़ रही है, people go on cutting trees and instead of afforestation, deforestation is increasing. Going on cutting trees, more and more arise deforestation. Okay, और जब deforestation होता है, मतलब it harms to environment negatively. और जब environment को harm होगा, मतलब human being को भी harm होगा, because human being is consuming oxygen and trees gives us oxygen. इसीलिए कहा जाता है, we should not cut trees for our greedy purpose. ओके, अगर ट्रीज कट करते हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज हम किसी और एम्प्टी लैंड पर ग्रो भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो वी शुड गो ऑन डूइंग दैट थिंग कि ट्रीज कम ना हो, क्योंकि हमें ट्रीज रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा. ओके, सो बहुत ही अर्जेंट नीड है ये कि फॉरेस्ट को संभाल के रखें, क्योंकि नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के अलावा अगर हम बात करें अबाउट वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल, देर आर मैनी एनिमल्स विच आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म हो गए हैं, जिनको हम सिर्फ पिक्चर्स में, मूवीज में देख सकते हैं, राइट? एंड इवन दीज लायंस, टाइगर्स, दे लेफ्ट आउट विद नंबर्स ओनली, कुछ नंबर्स में ही है. They are not uncounted, मतलब they are also on verge of extinction, right? Many times we heard that leopard come in city or some wild animal entered in city and all or in village. Why it happens? It happens because of this reason only, that people are cutting forest day by day for their, you know, development. लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है तो चलो हम ट्रीज कट कर देते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेकिन ट्रीज कट करने से कई एनिमल्स, ट्रीज के ऊपर नेस्ट बनाकर बर्ड्स रहते हैं, ट्रीज के नीचे होल्स बनाकर स्नेक्स, रैबिट्स, देन स्क्विरल लीव्स ऑन ट्री, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस में घर बनाकर रहते हैं. एंड फॉर कंस्ट्रक्शन इफ वी कट ट्रीज, मतलब हम उनके घर भी तोड़ रहे हैं, राइट? और जब हम उनके घर तोड़ेंगे, उनको जब रहने के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल कम टू सिटी एंड ऑल, राइट? जाएंगे कहाँ वो? ओके, सो द पॉइंट इज, फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वी शुड नॉट कट अवर फॉरेस्ट एरियाज, as it is very important and it gives us lots of things to use in our daily life. Wood, timber, gum, then so many other things, with so many herbal medicines and all also we get from plants. Okay, so ye jo natural vegetation hai, it is very much useful to human beings and we should definitely take care of these vegetations. No doubt government have taken so many steps, like abhi presently the situation is no one can be allowed to cut trees without permission. Okay, kyunki cutting trees is now, it is completely illegal, it is punishable offense. Ye ek guna hai agar trees cut karte hai, right? Recently due to metro project, Mumbai side mein kafi trees cut kar di gayi. ओके, जिसके लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि हाउ दिस प्रोजेक्ट के रिलेटेड इतनी सारी ट्रीज कट की. हालांकि मेट्रो वालाज आर स्पीकिंग दिस ओनली कि दे हैव ग्रोन
that many numbers of tree in that any other land. But then too, cutting so many trees during one night, it was very, you know, sad news for everyone. Okay, so many people came on road to protest against this, ke itni sari trees ek hi baar mein cut kyun. Okay, so the point is, cutting trees are now illegal offense. So government bhi kaafi steps le rahi hai forest ko bachane ke liye, wildlife ko bachane ke liye. So we individual common people also should understand their responsibilities, their duties against forest. Okay, remaining part of lesson we will continue with our next video. Nothing to write till I explain my lesson completely. After that I will be giving you PDF of question answers. Till this, if you people have not finished writing question answers of your geography lesson, which I finished explanation, so just see that you complete writing those question answers. Okay, bye bye.